Don't take
that, उसी प्रकार से Holy Spirit, पवित्र आत्मा, we are taking baptism in the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लेते हैं, we are getting inside of Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के अंदर चले जाते हैं, and putting on the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा को पहन लेते हैं, that is why Jesus said, और इसलिए यीशु ने कहा, in Acts 1:8, प्रेरितों के काम 1:8 में, when you receive Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करोगे, you receive the power, आप सामर्थ्य पाओगे, he is not the power, और पवित्र आत्मा सामर्थ्य नहीं है, he gives the power, परंतु पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देता है, he is equal to Father, और पवित्र आत्मा पिता के समान है, he is equal to Jesus Christ, और वो यीशु मसीह के समान है, he is God, और पवित्र आत्मा परमेश्वर है, he is not lesser than anybody, और वो किसी से कम नहीं है, because I will tell you, और क्योंकि ये बात मैं आपको बताऊं, imagine she is Father, और आप कल्पना कीजिए कि मैं पिता हूं, so this if he comes here, और अगर मैं यहाँ पर आती हूँ, I mean on the earth, अगर पृथ्वी पर आती हूँ, he is so glory, he has so much glory, और अगर पिता स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आएगा, तो वो कितना महिमा होगा, we all will die, और उसकी इतनी महिमा की वजह से आप सभी मर जाएंगे, so what happened? So इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? Jesus Christ, यीशु मसीह, same Father, और वही पिता, from the Father, और पिता में से होकर यीशु मसीह, he took one step out, उसने एक कदम हमारी तरफ आगे बढ़ाया, as a son, पुत्र बन करके, because we all must become sons and daughters, क्योंकि हम सभी पुत्र और पुत्रियां बन चुके थे, he has come in the form of Jesus, और वो परमेश्वर यीशु के रूप में पृथ्वी पर आए, when Jesus has come on the earth, और जब यीशु पृथ्वी पर आया, and died on the cross, और क्रूस पर मारा गया, when he went up, और जब वो ऊपर उठा लिया गया, from Jesus, यीशु मसीह के द्वारा, his spirit has come, उसकी आत्मा उसने भेजा, his spirit has come from him, और यीशु के द्वारा वो आत्मा आई, from Jesus, यीशु के द्वारा, in the form of Holy Spirit, पवित्र आत्मा के रूप में वो आत्मा आई, and came to the earth, और फिर पवित्र आत्मा पृथ्वी पर, how many of you understood this? आप में से कितने लोगों को ये बात समझ आई? Clap your hands, जोरदार तालियां बजाइए, three are one, परमेश्वर एक ही है, we don't serve three gods, हम तीन अलग अलग परमेश्वर की उपासना नहीं करते, we serve one God, केवल एक ही परमेश्वर की आराधना, from the Father, पिता के द्वारा, Son has come in the form of Son, Jesus Christ, पिता के द्वारा पुत्र के रूप में यीशु मसीह आए, from this Jesus Christ, और यीशु मसीह के द्वारा, Jesus Spirit has come, यीशु की आत्मा पवित्र आत्मा के रूप में आया, taking our image, ताकि हमारे स्वरूप को ले ले, because we are in the image of, he said let us make man in our image, और परमेश्वर इसलिए मनुष्य के रूप में आया क्योंकि उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था, that means इसका अर्थ ये है, three एक परमेश्वर है, that he shows, और वो ये प्रकट करता है, we do have spirit, कि हम हमारे पास भी तो आत्मा है, we do have soul, हमारे पास प्राण है, we do have body, और हमारे पास शरीर है, did you understand, आपको समझ आया, so Jesus and Holy Spirit and God are same, और इसलिए आप ये मत सोचिए कि पिता अलग है, यीशु अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, ये तीनों एक ही परमेश्वर है, so the spirit of God is God, और इसलिए इस परमेश्वर की आत्मा को परमेश्वर कहा जाता है, we cannot have fellowship with Father, और हम पिता के साथ संगति नहीं कर सकते, only through Jesus we can go to him, केवल यीशु के द्वारा ही हम उसके पास जा सकते हैं, and come back, और वापस आ सकते हैं, and Jesus Christ is sitting at the right side of Father, और यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं, we can take his name, हम उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं, he cannot spend with us here, और हम उसके साथ में ज्यादा समय नहीं बिता सकते, but Holy Spirit, और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ, he is in us, वो हमारे अंदर है, he is with us, और वो हमारे साथ है, he is all over us, और वो हमारे ऊपर है, we can talk to him, और हम पवित्र आत्मा से बातें कर सकते हैं, we can have fellowship with him, हम पवित्र आत्मा के साथ संगति कर सकते हैं, because God has created everything with his spirit, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ अपनी आत्मा के द्वारा रचा है, so Holy Spirit God, और इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर, in the creation is there, और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सृष्टि वहाँ पर है, every word is inspired by